नमस्कार दोस्तों, बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस कटना एक आम समस्या है। आपके एफडी पर मैच्योरिटी के समय जो भी ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस काट लिया जाता है। हालांकि कुछ सावधानियों का पालन करके आप अपनी जमा राशि पर टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीडीएस कैसे कटता है, टीडीएस कटने से कैसे बचा जा सकता है, और अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप उसका रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपके आय पर लगने वाला टैक्स। इनकम टैक्स का यह नियम है दोस्तों कि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एक बैंक या पोस्ट ऑफिस में कुल ब्याज 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको उस पर टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के मामले में दोस्तों 50,000 से ज़्यादा ब्याज होने पर टीडीएस कटता है। अब बैंक या पोस्ट ऑफिस आपसे टीडीएस कितना काटेगी? दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड आपके खाते से लिंक है तो कुल ब्याज पर 10% टीडीएस कटता है, और अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है या आपने गलत पैन नंबर एंट्री कर रखा है तो कुल ब्याज पर 20% टीडीएस कटता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि टीडीएस कटने से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इनकम टैक्स का नियम यह कहता है कि अगर किसी एक बैंक में किसी भी फाइनेंशियल में अगर 40,000 से ज़्यादा ब्याज मिलता है तब आपका टीडीएस कटता है। अलग अलग बैंकों में कुल मिलाकर 40,000 ज़्यादा ब्याज होने पर टीडीएस नहीं कटेगा। एक बैंक में अगर आपका ब्याज जो है 40,000 से ज़्यादा होता है तब टीडीएस कटता है। तो दोस्तों, इसी नियम का फ़ायदा उठाकर आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि किसी भी एक बैंक में जो है ब्याज 40,000 से ज़्यादा ना हो, यानी कि आपको अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टीडीएस से बचने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों लेंदी प्रोसेस के अलग अलग बैंक में जाके टीडीएस कटने से बचना है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि फॉर्म 15H या फॉर्म 15G जमा करके टीडीएस कटने से बचा जा सकता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और कुल सालाना आय जो है 2.5 लाख रुपये से कम है तो ऐसे में आपके पास जो फॉर्म भरने का विकल्प रहता है वह होता है 15G। जब आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म 15G जमा कर देते हैं तो बैंक आपसे टीडीएस नहीं काटती है। उसी तरह से अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपकी कुल आय जो है 3 लाख रुपए से कम है तो आप फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस कटने से बच सकते हैं। जब आप बैंक में फॉर्म 15H जमा करते हैं तो बैंक उस फाइनेंशियल ईयर में आपसे आपके ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटेगी। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों जिससे आप अपने ब्याज पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि अगर आपका टीडीएस कट चुका है तो उसका रिफंड कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बैंक या पोस्ट ऑफिस जब भी आपका टीडीएस काटती है तो वो जितना भी टीडीएस काटती है वो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन पे जमा कर देती है। इनकम टैक्स वेबसाइट से आप 26S डाउनलोड कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट में दोस्तों आपसे कुल कितना टीडीएस काटा गया है, आपको कुल कितना ब्याज मिला है, इस सर्टिफिकेट में सारा डिटेल दिया रहता है। आप चाहें तो अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से भी टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। टीडीएस रिफंड प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आईटी विभाग को यह लगेगा कि आपकी जो आय है, आपकी कुल आय जो है इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आपके एफडी पे कटा हुआ टीडीएस आपको रिफंड कर दिया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह तरीका समझ में आया होगा। अगर आपके पास टीडीएस से जुड़ा हुआ कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।